तो 100,000 ईयर ऑफ UI रिफाइन के इस एपिसोड की भी शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर हम लोगों का लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को कुछ डिसाइपल लोगों को दिखाए जाते हैं जो कि अपनी जान की भी स्वॉर्ड सेक्ट से मांग रहे होते हैं। और एक डिसाइपल तो यहाँ पर ये बोलता है, मैं फेंजियन सेक्ट के लीडर का बेटा हूँ, इसलिए तुम लोग मुझे जाने दो, नहीं तो मेरे पिताजी तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है, इसलिए तुम मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन ये आदमी इन लोगों की एक नहीं सुनता है, इन लोगों को इस स्वॉर्ड अरे के अंदर में फेंक देता है, जिसकी वजह से इन लोगों की मौत यहीं पर हो जाती है और इन लोगों की बॉडी से सोल निकलकर बाहर आ जाती है। इस चीज को देखने के बाद ये आदमी इन लोगों की सोल को यहाँ पर रिफाइन करने लगता है ताकि वो यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड को बना सके। और वो कुछ ही देर में इन लोगों की सोल को रिफाइन भी कर लेता है और एक स्वॉर्ड के अंदर में डाल देता है, जिसकी वजह से ये आदमी थोड़ा सा खुश होता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जिसमें कुछ हलचल होने लगती है और वो अचानक से नीचे गिर जाती है। इस चीज को देखने के बाद यह आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी मैंने यहाँ पर इस स्वॉर्ड को रिफाइन कैसे नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जितनी भी सोलें थी उन सभी सोलों को स्वॉर्ड मास्टर ने मुझे दिया था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, फिर भी मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी में एक्सकैलिबर का अभ्यास कभी भी नहीं कर पाऊंगा। और वो यह बोलने के बाद में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आने लगता है, लेकिन वो किसी तरह करके यहाँ पर अपने आप को संभालता है और वो बोलता है, किसी तरह करके मुझे शांत रहना होगा क्योंकि स्वॉर्ड मास्टर जो जी फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्होंने भी एक ही बार में स्वॉर्ड को रिफाइन नहीं किया था, उन्हें भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था तब जाकर उसने स्वॉर्ड को रिफाइन कर पाया था। इस बात को सुनने के बाद ये आदमी बोलता है, मास्टर जियान आपको यहाँ पर शांत हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने अपने आदमियों को भेज दिया है सोल रिफाइनिंग मैजिक स्वॉर्ड को लाने के लिए जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, इसलिए आप यहाँ पर अपने गुस्से को शांत कीजिए। इस पर मास्टर जियान इस आदमी को बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि स्वॉर्ड लॉग हम लोगों के काम को इतनी आसानी के साथ कर देगा और हम लोगों के एक साथी को जिंदा कर देगा। इस पर यह आदमी बोलता है, मैं इस बात का अच्छे से पता लगाऊंगा कि वो ऐसा करेगा या नहीं। और वो यह बोलने के बाद में यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मास्टर जियान बोलता है, मेरी जियान फैमिली ने आज तक किसी भी स्वॉर्ड को रिफाइन नहीं कर पाया है, इसीलिए इस काम को आज मुझे करना ही होगा। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने इस काम में लग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को जियान फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये एल्डर सुइजान को बोल रहा होता है, तुम मुझे वो ट्रेजर दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में जियान फैमिली के पास में जितने भी ट्रेजर है उन सभी को दे दूंगा। और वो यह बोलने के बाद में यहाँ पर एक बॉक्स को खोल देता है जिसके अंदर में बहुत सारे हीरे और सोने होते हैं। तभी ये एल्डर इन ट्रेजर के बारे में यहाँ पर सुइजान को बताने लगता है। इस बात को सुनने के बाद डीमन किंग इस ट्रेजर की जांच करने के लिए आ जाता है और वो बोलता है, ये ट्रेजर इतने भी ज्यादा बुरे नहीं है जितने कि मुझे लग रहे थे, इनमें से कोई हम लोगों के काम आ सकता है। इन बातों को यह लड़की भी सुन रही होती है और वो बोलती है, हम लोगों के जियान फैमिली के पास जितने भी ट्रेजर थे मैंने उन सभी चीजों को यहाँ पर रख दिया है, लेकिन ये सब चीजें भी यहाँ पर सुइजान को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, और क्या सुइजान हम लोगों को ड्रैगन स्टोन देने के लिए तैयार भी होगा इन ट्रेजर के बदले में। ये लड़की अपने मन में ये सब सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम लोगों को सुइजान को दिखाया जाता है जो कि इस गेट को देखकर बोलता है, इसके अंदर में क्या है। इस पर ये एल्डर बोलता है, यह तो एक मामूली सा दरवाजा है जिसके अंदर में बहुत सारी स्वॉर्ड रखी हुई है। इस पर सुइजान बोलता है, क्या तुम लोग सच बोल रहे हो, और ये बोलकर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जिसकी वजह से इस गेट के अंदर में जितने भी स्वॉर्ड होते हैं वो सभी स्वॉर्ड एक एक कर एक्टिवेट हो जाते हैं और बहुत ही तेजी के साथ में सुइजान की तरफ आने लगते हैं। इस चीज को देखकर ये एल्डर बोलता है, तुम सभी लोग दोबारा से वापस जाओ, लेकिन तब तक ये स्वॉर्ड सुइजान के पास आ गए होते हैं। इस चीज को देखकर ये लड़की भी यहाँ पर इन स्वॉर्डों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये सभी स्वॉर्ड सुइजान के पास आने के बाद रुक जाते हैं। इस चीज को देखकर सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं, लेकिन तभी यह लड़की सुइजान को बोलती है, मुझे क्यों लगता है इन सभी स्वॉर्ड के अंदर में कोई ना कोई स्प्रिट है। इस पर सुइजान बताने लगता है कि इन सभी स्वॉर्ड को रिफाइन करने के लिए एक स्प्रिट का बलिदान दिया जाता है। जिस बात को सुनने के बाद यह लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो इस एल्डर को गले से पकड़ते हुए बोलती है, तुम लोग तो उसी मिस्टीरियस क्लैन से बिलोंग करते हैं जिसमें आदमी लोगों की बलि देकर इन लोगों को सोल के रिफाइन कर उससे एक स्वॉर्ड स्प्रिट को बनाया जाता है। और वो यह बोलने के बाद में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन तभी इस एल्डर की बेटी सुइजान को बोलने लगती है, आपको यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है। लेकिन तभी सुइजान उसे अपने ग्रेविटी प्रेशर में जकड़ लेता है और इस लड़की के पास में सभी स्वॉर्ड को भेज देता है और वो बोलता है, अगर इस बार तुमने यहाँ पर मुझे झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर जान से मार दूंगा, इसीलिए तुम लोगों के लिए अच्छा ये होगा कि तुम लोग मुझे बिल्कुल सच सच बताओ जो कुछ भी हुआ है। इस पर यह लड़की भी यहाँ पर बताने लगती है कि इन स्वॉर्ड के अंदर में मेरे भाई की स्प्रिट है और वो यह बोलने के बाद में उदास हो जाती है। इसके बाद हम लोगों को फास्ट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटी लड़की, और ये छोटी लड़की वही लड़की है जो कि अभी सुइजान को यह कहानी बता रही है, और ये छोटी लड़की यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करती है अपने भाई को बचाने की, लेकिन उसका भाई यहाँ पर उसकी बातों को नहीं मानता है और वो बोलता है, अब बहुत ही ज्यादा देर हो गई है, मुझे ऐसा करना ही होगा। और मैं इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हूँ कि मेरी छोटी बहन इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है और उसे सब चीजों की समझ आने लगी है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम अपने स्वॉर्ड की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरीके से करना, और जब तुम सुबह उठोगी तब हम लोगों के सेक्ट में सब
कुछ ठीक हो जाएगा। और वो ये बोलकर अपनी सिस्टर को यहाँ पर बेहोश कर देता है। इसके बाद वह इस फायर के अंदर में चला जाता है, जिसकी वजह से ये सभी स्वॉर्ड रिफाइन हो जाते हैं। इस बात का जब सुहान को पता चलता है, तब वो इस लड़की को भी यहाँ पर फ्री कर देता है। और वो बोलता है, सच में ये दुनिया बहुत ही ज्यादा बेरहम है। और वह बोलने के बाद में डिमन किंग को बोलता है, क्या यह सब सही है? इस पर डिमन किंग बोलता है, एक स्वॉर्ड को रिफाइन करने के लिए अपने 8 भाइयों का बलिदान दे देना यह एक अच्छी बात नहीं है, जिसकी वजह से इन लोगों का जियान फैमिली अब विलुप्त होने के कगार पर आ गया है। इस बात को सुनने के बाद यह एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, तुम्हें क्या पता है इन स्वॉर्ड को रिफाइन करना कितना ज्यादा मुश्किल है? इस चीज को करने में हम लोगों की पूर्वजों की जान चली गई है, तब जाकर हम लोगों को यह स्वॉर्ड मिला है। और तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर विलुप्त होने के कगार पर आ गए हैं? और मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अगर हम लोगों के सेक्ट में ये स्वॉर्ड नहीं होती तो हम लोग कभी भी माउंटेन और सी को शांत नहीं रख पाते, क्योंकि जियान क्यू को अपने जीवन से ज्यादा भरोसा इस स्वॉर्ड के ऊपर था। और वो ये बोलकर यहाँ पर थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन तभी उसकी बेटी बोलती है, लेकिन इसके बाद जियान गायब हो गया और आज प्रेजेंट टाइम में जियान के डिसाइपल ही इस चीज को कर सकते हैं, जो कि तुमने यहाँ पर हम लोगों को अभी भी बताया था। ये लड़की ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी डिमन किंग इन मास्टर लोगों का यहाँ पर मजाक उड़ाने लगता है। इस बात को यहाँ पर और एक आदमी सुन रहा होता है और वो इन लोगों को बोलता है, क्या तुम लोगों के जी फैमिली में ऐसे ही पीठ पीछे में सभी का मजाक उड़ाया जाता है? इसलिए मुझे आज तुम लोगों को यहाँ पर सबक सिखाना ही होगा, तब जाकर तुम लोगों का अकल ठिकाने में आएगा। इस पर ये एल्डर बोलता है, आपको यहाँ पर गलत फहमी होगी, हम लोग आपका यहाँ पर मजाक नहीं उड़ा रहे थे, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है आपके यहाँ पर अभी तक आने का टाइम नहीं हुआ था, फिर आप इस जगह पर क्या कर रहे हैं? क्या आपको यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट काम है? इस पर ये आदमी बोलता है, मुझे पता है कि तुमने अभी तक स्प्रिट स्वॉर्ड को रिफाइन नहीं किया होगा। इस बात को सुनने के बाद यह एल्डर थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन तभी उसकी बेटी बोलती है, आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है पिताजी, क्योंकि हम लोगों का जियान फैमिली ही एक लौता ऐसा फैमिली है जो कि स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को बना सकता है, और इस चीज में हम लोगों के पूर्वज लोगों ने भी बहुत ही बड़ा बलिदान दिया है, इसलिए आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनने के बाद यह आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, तुम लोग यहाँ पर हम लोगों का विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है, जो कि सुहान को बोलती है, सच में मिस जियान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन इस पर सुहान बोलता है, ये सब कुछ यहाँ पर काम नहीं करेगा। तभी हम लोगों को इस आदमी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर इस लड़की के ऊपर हमला कर देता है। इस चीज को देखकर ये लड़की भी एक अटैक इस अटैक की ओर कर देती है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। इस चीज को देखकर इस आदमी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन तभी यह आदमी बोलता है, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम लोग जियान फैमिली को हमेशा लूटते आ रहे हो। इस पर डिमन किंग भी इस लड़की का साथ देते हुए इस आदमी के मास्टर का मजाक उड़ाने लगता है, जिसकी वजह से इस आदमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बोलता है, तुम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों के स्वॉर्ड मास्टर की मजाक उड़ाने की कोशिश की है, इस चीज का अंजाम तुम लोगों की जान लेकर हम लोग चुकाएंगे। इस बात को सुहान भी सुन रहा होता है और वो इस आदमी को बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग हम लोगों को यहाँ पर मार पाओगे? और वो एक नजर इस आदमी की तरफ देख लेता है, जिसकी वजह से इस आदमी के यहाँ पर बॉडी में कुछ होने लगता है और इसके बॉडी में क्रैक भी आने लगते हैं। इस चीज को देखकर ये लड़की तो सुहान को बोलती है, तुम इसे नहीं मार सकते हो, क्योंकि वो स्वॉर्ड मास्टर का डिसाइपल है। लेकिन तब तक सुहान ने इसे मार दिया था, जिसके देखकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है, आखिरकार ये आदमी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? इसने तो बस बैठे बैठे ही इस आदमी को जान से मार दिया। इस लड़की के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।